अच्छा ठीक है। अरे वाह, चलो ओके। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म होने वाली है रोश, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में। देखिए, इस फिल्म की खासियत यही है कि मैं इस फिल्म के बारे में आपको जो भी कहूँ वो इस फिल्म का प्लॉट लाइन आपको दे देगा। ऑफ कोर्स मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि जब मैंने ये कहानी सुनी, जब जयवीर भाई ने मुझे कहानी सुनाई, मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं अगर इस फिल्म में हूँ या ना हूँ, आपको ये फिल्म ज़रूर बनानी है, बिकॉज इस फिल्म की कहानी इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ी USP इस फिल्म की कहानी है। ऑफ कोर्स ये फिल्म एक थ्रिलर है, एक्शन है, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एंड मेरा जो किरदार है ही इज़ अ कंप्यूटर एनालिस्ट। ऑफकोर्स वो तो सिर्फ एक जॉब क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूँ, बट जब आप ये फिल्म देखेंगे आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस फिल्म में हर कैरेक्टर में बहुत से लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स हैं जो जितनी कहानी आगे बढ़ती है उतने इनकी सच्चाई बाहर निकलती है, कि जो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इट्स नॉट वट इट सीम्स, वैसा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड ऑफकोर्स अभी बहुत जल्द रिलीज भी होने वाली है, सो आप लोग भी देखेंगे, सो आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी लंबा ब्रेक लिया आपने एज अ एक्टर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको सच्चा वर्जन भी दे सकता हूँ और आपको झूठा वर्जन भी दे सकता हूँ। झूठा वर्जन ये है कि मैं बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ, और सच्चा वर्जन ये है कि मैं हर जगह जाके ऑडिशन किया, बिकॉज आई थिंक ऑफकोर्स मैं नेपोटिज्म के बारे में उस टॉपिक को उठाना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकम टू लेंदी एंड टू बोरिंग, बिकॉज आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन नेपोटिज्म। आप मेरे डैड को जानते हैं, आप मेरे डैड की लिनियज को जानते हैं, उन्होंने मुझे कभी हेल्प नहीं किया, उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे बेटे हो, बस दैट्स इट, बट तुम्हारा जो करियर है, तुम्हारे जो करियर के चॉइसेस है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी खुद की लड़ाई है। रोश भी मुझे ऑडिशन से मिली, नवाज सर के साथ अभी जो फिल्म कर रहा हूँ जोगीरा सारा रहा, वो भी मुझे ऑडिशन से मिली, अभी विक्रम सर के साथ एक बात हो रही है, वापस मैंने री ऑडिशन किया। आई बिलीव एन एक्टर शुड ऑलवेज गो एन ऑडिशन, यू नो, उसमें कुछ बड़ी छोटी बात नहीं है, और 9 out of 10 ऑडिशंस आपको नहीं मिलता, दैट इज़ द रियलिटी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आई हैव गॉन टू एवरी ऑडिशन, ऑफकोर्स मैं शॉर्ट लिस्ट बहुत से रोल्स और शोज और फिल्म्स के लिए हुआ था, बट इन द एंड मोमेंट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। मुझे रोश मिली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ रोश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ जोगीरा सारा रा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग, बिकॉज दैट्स द वे इट इज़। देखिए, जयवीर भाई इज नॉट जस्ट माई फिल्म डायरेक्टर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, एंड जो आपने जैसे अभी मैंशन किया कि शिवम म्यूजिक का लॉन्च हो रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट हिम टू प्रॉस्पर। वो इतने टैलेंटेड है, मुझे अभी भी याद है जब हम रोज की शूटिंग कर रहे थे, तो वो सो मेनी टाइम्स जब मैं उनके साथ डिबेट करता था कि जयवीर भाई नहीं, ये डायलॉग सही नहीं है, ये गलत है, हमें इसको इस तरीके से करना चाहिए, या फिर ये सीन क्यों है, एंड वो हमेशा मेरे साथ काउंटर डिबेट करके मुझे रॉन्ग प्रूफ कराते थे, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ अ डायरेक्टर, बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरी आदत है, मेरा कीड़ा है कि मैं अपने डायरेक्टर को चैलेंज करूँ कि ये क्यों है, एंड ही ऑलवेज हैड एन आंसर। तो आज जब उनका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ, एंड ऑफ कोर्स मैं इधर हूँ उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। जो मुझे अभी पता है, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ और टू, आई थिंक अप्रैल एंड या मई में फिल्म आने वाली है वूट पे, तो एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट OTT फिल्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड जैसे आपको मैंने कहा, इट्स एन एक्टर्स फिल्म, यू नो, अभी आई थिंक मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि यू विल नाउ नोटिस द एक्टर इन मी। अभी मैं उस बबल में नहीं रहता हूँ कि मुझे सुपरस्टार का एक प्रेस्टीज लेवल चाहिए, या फिर मुझे नाचना है, गाना है, कुछ नहीं, मुझे परफॉर्म करना है, एंड रोश में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं परफॉर्म कर सकूँ। आई गारंटी यू, जब आप ये फिल्म देखेंगे, आप लोग मुझे सीरियसली के यू विल टेक मी सीरियसली, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म, और जैसे आपको मैंने कहा, इट्स मेनी शेड्स, एंड जैसे शुरू होती है इट एंड्स कम्प्लीटली डिफरेंट। एक्टर विच आई फॉलो, सी देर आर एक्टर्स विच आई लव एंड देर आर एक्टर्स विच आई फॉलो। एक्टर्स विच आई लव, सलमान भाई, ही इज़ एन एल्डर ब्रदर टू मी, मुझे अभी भी वेन एवर ही कॉल्स मी ही ट्रीट्स मी लाइक फैमिली, यू नो, तो सलमान भाई इज द भाई ऑफ ऑल भाईज, एंड द पर्सन हु आई फॉलो
आई थिंक मैं भी अपने दोस्तों को वही कह रहा था कि ऋतिक रोशन, बिकॉज वो बोलते हैं ना परफेक्शन एक जगह है, ऋतिक रोशन एक जगह है. तो ही इज़ माई आइडल, ही इज़ माई एवरीथिंग. आई लुक अप टू हिम, आई लर्न फ्रॉम हिम. एंड अगर मैं उनका 25% भी अगर अचीव कर लूँ, आई थिंक आई हैव सक्सीडेड इन द इंडस्ट्री. तो फॉर मी इट्स सलमान भाई, ऋतिक रोशन. थैंक्स गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, बिकॉज ये मेरा डेब्यू है. आज से पहले कुछ नहीं आया मार्केट में. तो थैंक यू जयवीर सर जिन्होंने मुझे मौका दिया, और बहुत एक्साइटेड हूँ रोश के गानों से. रोश से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, और गाने भी सुनिएगा, बहुत अच्छे गाने हैं. जिसको भी, जिसने भी सुने हैं उन्होंने बोला अच्छे हैं, तो आपको भी अच्छे लगेंगे आई गेस. हाँ जी, हाँ जी, शिवान म्यूज़िक का एसोसिएशन है. तो शिवान म्यूज़िक के अभी 5 songs लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग. तो द फर्स्ट सॉन्ग इज़ खट्टा मीठा. खट्टा मीठा रिलीज़ होगा 26 को आई गेस, शिवान म्यूज़िक के चैनल पे. एंड बाकी के सॉन्ग्स भी रिलीज़ होंगे धीरे धीरे. जिसको हमने शूट किया है, 2 गाने हमने अज़रबैजान में शूट किए हैं, 3 गाने हमने उत्तराखंड टिहरी में शूट किए हैं, और भी आगे काफ़ी प्लान है. तो अभी ऑल सेट. रोश एक बहुत अच्छी कहानी है, और बूट पर रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी. एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो एक अलग लड़की है, जो जिसको पैसों से मतलब है बस, और कुछ लेना देना नहीं है उसको. तो मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, बट मेरा कैरेक्टर ऐसा है. एंड जो मैं रियल लाइफ में हूँ, और आप फिल्म देखोगे तो एक अलग ही कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा बिल्कुल. एंड मज़ा आया ये फिल्म करके मुझे, और कहानी बहुत ही अच्छी है. इस कहानी को, इस फिल्म को रिलीज़ डेट, जैसे हमारी फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, बट अगर मैं 2-5 साल बाद भी ये फिल्म रिलीज़ करते हैं हम, तो भी कोई बोलेगा नहीं कि ये पुरानी कहानी हो गई है, बिकॉज़ इसका कंटेंट वैसा है. और इस कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबकी लाइफ में रोज़ाना कभी ना कभी होती ही हैं. तो बिल्कुल यू शुड वॉच, एंड बताओ कि कैसी लगती है आपको फिल्म. आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए उसमें. मेमो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेमो के साथ मैंने मतलब पहले तो काम नहीं किया था, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे. मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला. मैं तो न्यू हूँ, बट उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला एज एन एक्टर, और एज एन रियल लाइफ में भी वो बहुत अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वो. तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके बिल्कुल. और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही होगी? रोज क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ उसमें स्पेशली. देख सकते हैं आप, और ये मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड, जो मतलब अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मेरी ये है. और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म हिट हो, और मैंने काम बहुत अच्छा किया इसमें, और मैं खुद बोल रही हूँ तो आप भी बोलोगे मुझे पता है. बट यू शुड वॉच, एंड थैंक यू सो मच. ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इस फिल्म को, एंड थैंक यू. मैं मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस को मैंने पता नहीं मैं किसको फॉलो करती हूँ, बट मैं अपने आप की फेवरेट हूँ. मुझे एज एन एक्टर शाहरुख खान पसंद है, एज एन एक्टर. एंड हाँ, रणवीर सिंह ऑल्सो. या थैंक यू. सेम क्वेश्चन. सो अबाउट रोश, आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी, जो कि अभी एक बर्निंग, बहुत बर्निंग सोशल इशू चल रहा है जिस पे आधारित है, और एक अवेयरनेस भी है जो कि एक अवेयरनेस लेके आएगा ऑडियंस में. और एक चक्रव्यूह निर्मित होता है जिसकी मैं एक पार्ट हूँ. अब मैं कल्प्रिट हूँ या विक्टिम हूँ वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एज आई सेड इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, जो कि आपको बहुत देर तक तो समझ में नहीं आएगा कि कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, कौन विलन है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, जिसके लिए आपको एंड तक उससे चिपके रहना पड़ेगा सीट से आपके देखने के लिए. सो बहुत ज़्यादा मैं अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं बता पाऊँगी, बट इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर. बट हो सकता है आपको लगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा. और इट वॉज़ वेरी नाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला सभी से कि
कैसे इतने बड़े ऑरा के साथ हमें काम करना चाहिए एज एम फ्रेशर, और मैंने कभी मतलब इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया नहीं है, तो इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेमो सर तो बहुत ही हम्बल हैं, और यशराज जी भी, जयवी सर, सभी लोग बहुत ही हम्बल हैं। और जयवी सर ने जितने अच्छे तरीके से हमें सिखाया कि कैसे कैरेक्टर में आपको जाना है, हम लोगों की पहले 1 मंथ की वर्कशॉप हुई, रीडिंग वर्कशॉप हुई, उसके बाद उन्होंने समझाया कि हाउ यू हैव टू गेट इन द कैरेक्टर। तो वाकई में हम सभी लोग उसी कैरेक्टर में थे और बहुत दिनों बाद निकले हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी के साथ। थैंक यू सर। ओके, मेरा नाम जयवीर है, जयवीर पंघाल। मैं राइटर डायरेक्टर हूँ रोश मूवी का भी, और हमारी जो कंपनी है शिवान स्टूडियो, उसमें जितने भी हम म्यूज़िक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बहुत अमेजिंग हम गाने बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान हम लेके काम कर रहे हैं, तो उस सब पे मैं काम कर रहा हूँ एज ए राइटर डायरेक्टर, एज ए लिरिसिस्ट। ही इज़ मिस्टर सचिन गर्ग, ही इज़ माई ब्रदर, सो वी आर टुगेदर एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग द इंटायर क्रिएशन ऑफ माइन, जो यहाँ तक आज आप देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। बेसिकली सचिन जी चंडीगढ़ से हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की, ही मेड्स मोर देन 5000 ब्रांड्स वर्किंग फॉर 9 कंट्रीज, और बहुत जेनरसली काम करते हैं। अब बॉलीवुड में हम आए हैं ऑल टुगेदर, तो अब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए। देखिए रोज एक ऐसी फिल्म है, सॉरी रोज एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को देखने के बाद आप ये ज़रूर कहोगे कि शायद कुछ नया अटेम्प्ट काफ़ी समय के बाद किया गया है। जैसे बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर्स आपने देखी होंगी, अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो अभी तक तो कोई फिल्म ऐसी देखी नहीं है जिससे मैं स्ट्रेट कंपेयर कर सकूं। और यही बात तो जब मैं फर्स्ट टाइम मेमो जी को नरेशन देने गया था तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि मैं किस फिल्म से कंपेयर करूं, तो मैं बोला मुझे तो नहीं पता, आपको सुना देता हूं, आप बता देना कि किससे कंपेयर करके देखेंगे। तो उन्होंने, आज भी आप शायद पूछना उनसे इस बात के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने बोला था कि यार नहीं, मैंने भी नहीं देखी ऐसी कोई फिल्म। सो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और वही जैसा आपने पठान देखी है कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और मैं इसके लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, मीडिया तो खैर कुछ भी है, आज मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा कीजिए, जब तक वो छपेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, जब तक कुछ दिखेगी नहीं तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता। तो मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करते हुए सिर्फ दो शब्द ये बोलना चाहूँगा कि रोश अपने आप बोले, रोश की जितनी तारीफ की जाए वो कम। रोश एक अपने आप में ऐसी फीचर फिल्म है जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट पर बनी हुई है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि पिक्चर में है वो जो ना होना वो आपको अपनी कुर्सी से बांध करके रखेगा। जब लास्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या है तो आपको लगेगा वाओ क्या बना है। उसका म्यूज़िक इतना क्लासिकल है, उसका जो शूट हुआ है और जो उसका सब कुछ डायरेक्ट हुआ है जयवीर जी के द्वारा, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है, और वो अपने आप में ही बोलेगी रोश 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 है। सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म को जो है ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है, वाई नॉट थिएटर, अगर उस बारे में कुछ बताया, क्योंकि जैसे सबने बताया कि अच्छी फिल्म है तो थिएटर में रिलीज करने का डिसीजन क्यों? देखो थिएटर में हम लोग फिल्म को पहले रिलीज करना चाह रहे थे, लेकिन देखो अभी आज ना थिएटर की मैथमेटिक्स पूरी चेंज हो चुकी है, आप सब मीडिया से हैं और बॉलीवुड को ही कवर करते हैं, तो आपको पता है कि थिएटर में ना एक नेम से एक फेस चलता है, और वो नेम से एक फेस अक्सर आपकी बैलेंस शीट बिगाड़ देता है। तो हम लोगों ने बहुत वाइज डिसीजन लिया, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में पिछले 10 साल से हैं, हम 50 से ऊपर खुद फिल्में थिएटिकल रिलीज कर चुके हैं, तो हमने अपनी फिल्म का साइज़ इवेल्यूएट किया, फिल्म का और टारगेट मार्केट इवेल्यूएट किया, हमें कौन देखेगा क्यों देखेगा इवेल्यूएट किया, और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि वूट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू सॉल्व। एक्टर्स के बारे में कुछ बताइए कि वो बहुत टाइम के बाद जो है ओटीटी पर उनका डेब्यू है और लोगों को दिखाई देने वाले बहुत टाइम के बाद, तो मेमो ने क्यों? देखिए स्क्रिप्ट की डिमांड ऐसी थी कि मुझे एक कहानी में ना एक कैसे कहते हैं कि एक लॉयन और एक लेपर्ड की लड़ाई दिखानी थी, तो आई वॉज वॉन्टिंग यू नो हैवी मैन विद लॉट ऑफ यू नो ग्रेविटी ऑन इट, एंड आई फाउंड मेमो बेस्ट फॉर इट। और मैंने मेमो के सिवा मैंने किसी को नरेट भी नहीं किया, द ओनली पर्सन आई नरेटेड दिस स्क्रिप्ट वॉज मेमो चक्रवर्ती एंड ही सेड यस एंड देन वी स्टार्टेड टुगेदर। आई कॉल्ड भाई के
ही सेड यस, माई सेड इज बेस्ट चॉइस, लेट्स गो अहेड। सो बेसिकली हमारे पास डेट की क्लैरिटी थोड़ी इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज वूट और जियो मिलकर IPL कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में उनका बहुत सारा प्रोसेस अभी डिले हुआ है। सो वी हैड क्लैरिटी अभी इसी मार्च में होना था, बट टू डेज बैक वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि अभी थोड़ा उनका ऐप वैप का कुछ शिफ्टिंग चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। सो होपफुली कल हमें एक डेट मिल जाएगी इन बिटवीन 21st of April टू 25th of April के बीच, एंड वीक ऑफ अप्रैल आप मान के चलिए, वील हैव द क्लैरिटी ऑफ द रिलीज डेट एंड ऑल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए शिवान स्टूडियो हमारा अम्ब्रेला है, एक बिगर अम्ब्रेला है शिवान स्टूडियो, उसके अंदर हम मेट्स भी एज एन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला रहे हैं। नाउ वी आर डूइंग एज एन फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन अंडर शिवान स्टूडियो, जिसके सीरीज में हमने शिवान म्यूजिक एक प्रोडक्ट है, अभी शिवान एक और फिल्म लेके फ्लोर पे हम जा रहे हैं अगस्त में, तो वो एक अगली फिल्म हम शिवान स्टूडियो से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली पूरा प्रोडक्शन जितना भी है वो शिवान स्टूडियो के अम्ब्रेला के अंदर हो रहा है, मेट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और शिवान म्यूजिक उसका एक विंग है। अब फिर प्रोडक्शन जितना भी हम कर रहे हैं वो शिवान स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं, तो हमने ये एक माइलस्टोन स्टार्ट किया है। हमने कंपनी बहुत पहले फॉर्म कर ली थी शिवान स्टूडियो, बट क्या था कि हमने फिल्म थोड़ी डिले थी, तो रोज वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ शिवान स्टूडियो, राइट? सो वैन प्रोडक्ट इज कमिंग, सो दिस नेम इज कमिंग आउट। सो शिवान वी फॉर्मड इट 4 years back, बट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कमिंग, सो नाउ शिवान इज ऑन फ्लोर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। जो जयवीर जी कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, शिवान तो खुद ही शिवा का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो लॉर्ड शिवा से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। एक बार एक बैठे थे ऐसे ही कि क्या नया क्या किया जाए, तो लगा कि म्यूज़िक बहुत चल रहा है तो कुछ म्यूज़िक में जाया जाए, फिर म्यूज़िक की क्वालिटी को देखी तो मुझे वहाँ पर लगा कि जो म्यूज़िक की क्वालिटी कुछ आ रही है अभी थोड़ी थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को कुछ और देना है। माइंड में एक आइडिया आ गया एंड आई एम वेरी मच क्रिएटिव, तो साथ के साथ हमने सोचा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाया जाए। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए हम लोग पिछले 1 साल से गाने बना रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक लगभग 8 गाने शूट किए हैं, इसका अब्रॉड में और इंडिया में दोनों जगह शूट हुआ है। कुछ अलग तरीके का देने की कोशिश की गई है यहाँ पर और अलग तरीके का बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें से कुछ गाने हमारे पास एडिट होकर के आ गए हैं। 5 गानों से हम लोग आज जो हम टीजर आपको टीजर हम लोग दिखा रहे हैं, 5 गानों का हम लोग आज टीजर दिखा रहे हैं, जिसमें से 2 गाने अजरबैजान के अंदर शूट हुए हैं और 3 गाने इंडिया के अंदर शूट हुए हैं, जो हम लोग आज टीजर दिखा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम लोग इसके अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, लोगों को एक अच्छा दिखाएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं। हमने म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह नहीं बनाया है, हमने म्यूज़िक को एक बड़ा म्यूज़िक बनाने की कोशिश की है और कोशिश है हमारी कि हम इसको एक बहुत अच्छे ब्रांड पर ले करके जाएँ। उसके लिए हमारी टीम के लिए मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ, हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और जिस डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है और वो मेरी टीम के अंदर जज्बा है और मैं इस टीम की शुरुआत से देख करके बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन शिवान स्टूडियो और शिवान म्यूज़िक, जो हमने दिया है नाम इसका, ये आसमान की बुलंदियों पर जाएगा और इसको सब लोग जानेंगे। यही एक मोटिव है, इसी के साथ हम लोग आगे आए हैं और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि हम लोग न्यू कमर्स को भी मौका दें, क्योंकि न्यू कमर्स आ रहे हैं उन लोगों के साथ बहुत कुछ क्या होता है, उनको चांसेस नहीं मिलते हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस प्रोडक्शन के अंदर न्यू कमर्स को जितने से ज़्यादा अच्छा एंटरटेन कर सके उसमें कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक सिंगर है जो कि सिर्फ 19 साल का लड़का है, जिसका नाम प्रणव सिंगल है। एक्चुअली सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, सर ने बोला कि न्यू कमर्स को हम लोग चांस दे रहे हैं, तो म्यूजिक कंपनी की फाउंडेशन में तो फर्स्ट आर्टिस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इज प्रणव सिंगल। सो प्रणव सिंगल के साथ हम अभी 50 सॉन्ग्स कर रहे हैं इस पूरे स्पैन में, इसमें हम ऑलरेडी 20 सॉन्ग्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं, 15 हम ऑलरेडी एडिट करके आज आपको टीजर दिखा देंगे। तो ऐसे ही हम नए नए टैलेंट को लाएंगे, प्रमोट करेंगे, तो अभी ये पूरा जो पूरा का पूरा जितने भी आप गाने देख रहे हो उन सब में प्रणव है एंड ही इज़ माइंड ब्लोइंग सिंगर। आप उसकी आवाज़ सुनोगे आप मेसमराइज हो जाओगे। आई डोंट नो कि आप लोग इस बात को बहुत एग्जैजरेटेड ना ले लें, जब आप गाना सुनोगे तो आप कहोगे कि हमने कुछ नया सुन लिया। और मैं आप सब लोगों से जाते समय ज़रूर पूछूंगा कि कुछ नया सुन लिया जो बहुत टाइम से अवेटेड था एज एन सिंगर। तो प्रणव शिवान म्यूजिक के साथ अब आ रहा है और आगे भी हम और लोगों को भी, जैसे सर ने बोला, हम आगे और लोगों को भी प्रमोट करते चलेंगे। थैंक यू।
हाय गाइज, अब इतने इंग्लिश बोलूँगा अब हिंदी में आता हूँ। मेरा नाम विजय सैनी है, मैं इस रोश फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। ये फिल्म हमने 2020 की जनवरी फरवरी में शूट की थी, फिर मार्च में लॉकडाउन आ गया था। तो लॉकडाउन निकलने के बाद ओवरऑल फाइनली ये फिल्म इसी महीने वूट पर रिलीज होने वाली है। डेट अभी फाइनल नहीं है, बहुत जल्दी इसका प्रीमियर भी होने वाला है। इस फिल्म की स्टार कास्ट है मिमो चक्रवर्ती, निकिता सोनी, मुजाहिद खान और भी सब न्यू कमर आर्टिस्ट हैं, ब्रजेश हिरजे हैं। इस फिल्म की कास्टिंग पूरी मैंने की थी और बहुत अच्छा लगा था इस फिल्म की कास्टिंग करते हुए। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, सस्पेंस थ्रिलर है। एक आम डिलीवरी बॉय, जैसे कि अभी कपिल शर्मा की फिल्म आने वाली है तो उसमें भी एक डिलीवरी बॉय रहता है कि उसकी जर्नी क्या है। उसके लिए फिल्म जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में कितनी पेनफुल है, कितनी रोमांटिक है, कितनी सैड है, कितनी रिवेंज है। इस फिल्म में सभी मसाले हैं, जब आप वूट पे देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। सो थैंक यू, जय श्री राम। सर, क्या कुछ शुभकामनाएं है कि सर के लिए सर ने म्यूजिक का एक म्यूजिकल चैनल खोला है और आगे बढ़ रहे हैं म्यूजिक में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म भी लेकर आ गए? देखिए, जयवीर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ एंड ही इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड, वो टैलेंटेड ही नहीं है बाकी उनका एक एज अ इंसान भी वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ना ही चाहिए। और स्पेशली प्रणव को मैं देखता हूँ कि आने वाले टाइम में द नेक्स्ट जुबिन नौटियाल के जगह पे मैं देखता हूँ। बहुत बहुत यंग एज में बहुत अच्छा गाते हैं और क्योंकि हम वो जर्नी देख चुके हैं, राइट फ्रॉम श्रेया टू अरिजीत टू जुबिन, वी हैव सीन देम ग्रोइंग। और मुझे लगता है प्रणव इज़ ऑल्सो वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत जल्द आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। एंड जयवीर इज़ अ ब्रदर और मेरी बेस्ट विशेज हमेशा इसके साथ में है फॉर द गुड वर्क इज डूइंग। अरे बिल्कुल, तो अभी अपना 26 को शायद था ना खट्टा मीठा जो है अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो रहा है, तो मैं वही सुनाता हूँ आप लोग को। खट्टा मीठा सीधा सच्चा इश्क हो गया है, कैसा मुझे इश्क हो गया है, मैंने तो सुनी थी बस कहानी रंगे इश्क की, ना जाने मुझे क्यों हो गया है। तू मेरे साथ साथ चलना, प्यार में कभी ना बदलना, तू मेरे साथ साथ चलना, प्यार में कभी ना बदलना। विरोज का जो म्यूजिक है वो मोंटी सर ने ही पूरा डिज़ाइन किया है, बनाया है। अभी रोज का गाना उन्होंने इसलिए शायद नहीं सुनाया क्योंकि आप लोगों को सरप्राइज वहीं पे देना है इसको, क्योंकि रोज का जो म्यूजिक है वो मैं ऐसे बस आप मैम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको बस सुन सकते हो। वो ऐसे म्यूजिक नहीं है कि आप कोई जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं तो गाई जा सकती हैं, गा दी आपने सुन ली, वो एक्सपीरियंस है, वो आपको साउंड पर ही आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आधे एक घंटे बाद आपको गाने सुनाए जाएंगे रोज के, तो सारा म्यूजिक सर ने ही बनाया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जैसे नए डायरेक्टर के साथ सर ने इतना लीजेंडरी होने के बाद भी काम के लिए यस बोला। मैं बड़ा ऐसे गया था सर के पास कि ट्राई करने में क्या बुराई है, बट सर ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और एकदम मतलब गले से लगाया, और क्योंकि मैं नया था सर ने मुझे बहुत सिखा के बता के चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे करके और बहुत सपोर्ट किया, मतलब बियॉन्ड म्यूजिक डायरेक्टर। एक म्यूजिक डायरेक्टर चलो एक म्यूजिक बना देगा, बट आई वॉज मेकिंग अ फिल्म बींग अलोन, तो जो सर ने मुझे सपोर्ट किया है इट विल बी ऑलवेज वन गोल्डन यू नो चैप्टर ऑफ माई लाइफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं बहुत ही जोश में हूँ और इस वक्त म्यूजिक लॉन्चिंग ऑफ रोश में हूँ। मैं समझता हूँ कि रोश और जोश आज की महफिल की शान रहेगा, क्योंकि ये जो मेरे दोस्त है जयवीर और पूरी टीम जो है मुजाहिद और पूरी टीम ने जो मिलकर और ख़ासकर निमो, इन्होंने मिलकर जो काम शुरू किया है, फिल्म बनाई है रोश, मैं बहुत ही खुश हूँ। पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि अभी इनकी ये फिल्म का जो शुरुआत है बहुत, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है ट्रायल में, बहुत ही सस्पेंस
फिल्म है और आज की फिल्म है, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आज चाहिए फिल्म को और फिल्म की कहानी को, सब चीज़ें इसमें। किसी का भाई किसी का जान तो जो सलमान भाई की फिल्म है वो तो ऑल ओवर इंडिया हिट रहेगी। उसके बाद कंजूस और मक्की चूस फिल्म आ रही है जिसमें राजीव श्रीवास्तव जी की आखिरी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा, इतने बड़े लेजेंड की लास्ट फिल्म है कंजूस मक्की चूस। राजू भाई हमारे दिल में है, उस फिल्म में है और हमारे फील में है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारी भी फिल्म आ रही है गाली गलौज, जो स्टैंड अप कॉमेडी पर है, जिसमें गाली गलौज फिल्म का नाम ज़रूर है लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है, फिल्म में गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। ये रोश और ये शिवान म्यूज़िक शिवान स्टूडियो के सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, मेरा भाई है सनी, सारे लोग हैं, इन लोगों को ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही करें। और देखिए फ्रैंकली मैं बताऊंगा, मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, मैं कुछ बोल दूंगा और कुछ और निकल जाएगा तो मतलब नहीं है, मैं देखूंगा उसके बाद ही मैं कमेंट करूंगा। बट मुझे पता है अगर मेरा भाई जुड़ा है तो आई एम श्योर इट विल बी गुड एंड इट हैज़ टू बी गुड। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू योर टीम, चाहता हूँ कि अच्छा करें। म्यूज़िक, हाँ अभी ये म्यूज़िक जितना भी है जो इन लोगों ने किया है कि अभी ये मतलब इन लोगों ने जो स्टार्ट कर दिया और मैं लॉन्च है आज, तो अब ये भी सुनूंगा और उसके बाद विशेष टिप्पणी दूंगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर बोलूंगा अच्छा है, और जो कुछ भी लगेगा भाई है तो इसको बता दूंगा कि भाई देख इसमें ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, ये अच्छा है जो है फेस पे, इसमें क्या हो गया यार, घुमा फिरा के बात नहीं करते भाई हम। रील बनाना कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमने देखा सेट से बहुत सारी। अभी ऐसा है कि मेरे मैं क्या है कि अब तक काम कर रहा था तो यू नो लोग बहुत काम भी करते थे, लेकिन अभी ये जो नया जनरेशन है ये लोग हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ करते हैं, उनका दिमाग मतलब ऐसे फास्ट चलता है कि अगर मैं सीन में हूँ तो मैं सीन में और कैरेक्टर में उस वो करूँगा, लेकिन उसके साथ ये लोग ये सोचते हैं कि चलो यार एक ये बना ले, तो मुझे बोलते हैं आइए सर इधर ये बना लेते हैं, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए और वो बन जाती है रील यार। नीति कोई टिप्स देते हैं? नीति का ही होता है सारा सब इनिशिएटिव, नीति पूरी तरह से नीति ही है, नीति पूरा मतलब जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है वो निकालती है, फिर बाद में डिसाइड करती है सर ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे आप बस ऐसे ऐसे करिए हो जाता है। मतलब वो डायरेक्टर है आपको सिर्फ एक्टिंग करना है? बस डायरेक्टर इन द सेंस क्या है कि इन लोगों को पता है कौन सा गाना ट्रेंड होता है क्या चलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दे आर डूइंग इट। एंड आई वुड से यू नो एक बात अच्छी है वहाँ सेट पे, नीति और जितने भी हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, खास करके नीति, पूजा, रणदीप, इन लोगों को ये नहीं है कि यू नो हमारे फॉलोअर्स हैं तो हम नहीं करेंगे या सर हैं तो नहीं, वो प्यार है, लव है, रिस्पेक्ट है, लाइक वाइज मतलब सबके लिए एक जैसा है, तो हम मिलजुल के करते रहते थे, तो वो करती है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और लास्टली आपसे जानना चाहूँगा बड़े अच्छे लगते हैं क्या क्या मैसेज होगा फैंस के लिए? फैंस के लिए सिंपल है, स्टोरी वही है, बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप देखते रहिए सोनी टीवी में बड़े अच्छे लगते हैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे और साथ में ये म्यूजिक भी सुनते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्या हो जाए विजुअल आगे 7 दिन के बाद पढ़ा।